तो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो गुड टू सी यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। शिवोहम जी एंड मैडम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि इनके लाइफ में, शिवोहम जी के लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ आपकी वजह से आया है। अगर आज ये एक अच्छे, इतनी अच्छी खासी बॉडी है तो आपकी वजह से, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है तो आपकी वजह से, मतलब सारी क्रेडिट ये आपको देते हैं, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग? देखिए सी हर 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 आदमी को अपने शादी के बाद अपना सारा क्रेडिट यहाँ पर ही देना चाहिए। हाउ स्वीट। लाइफ अच्छी रहेगी, शांति रहेगी, खुश भी रहोगे। नहीं, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे डर के मारे आप नहीं ऐसे नहीं ऊपर डर नहीं, बट देखते इट्स ट्रू। हैं। बट इसका ट्रूथ ये है कि फर्स्टली इट्स ऑल हिज हार्ड वर्क, इट्स ऑल हिज इंटेंशन कि उनको बदलाव चाहिए था तो वो बदल पाए। और ये जो मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं वो एक्चुअली क्रेडिट स्पिरिचुअलिटी का है। सो जब आपके अंदर कुछ ऐसी डीप सीकिंग जागती है, जब आपको अंदर से लगता है कि और ये जो पार्टिंग है या जो भी आजकल का लाइफस्टाइल है उससे कुछ हटके मुझे कुछ ढूंढना है, देन इफ समबडी कम्स इनटू योर लाइफ एंड टेल्स यू दैट रोड, फिर आपको वो रास्ते पे चल के मज़ा आएगा और तब एक्चुअली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, विच इज़ एक्चुअली अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। कि हमने कितनी बार सुना होगा, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। सो बॉडी के बारे में तो लोग बहुत बात करते हैं, माइंड के बारे में भी लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया है, और स्पिरिट की तरफ तो हम सबको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो फाउंडेशन है वो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे ही मिलेगी। क्योंकि मेंटली और फिजिकली तो हम कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हमारे डिफरेंट थाट्स आते हैं। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें स्पिरिट के लेवल पे जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द लेवल विच बोथ ऑफ अस आर सीकिंग। ये नहीं कि मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और शिवम ट्राई कर रहे हैं, नहीं, हम सब अपनी जर्नी पे हैं। लेकिन जो ब्यूटी वो स्पिरिचुअल पाथ की है वो मटेरियल की और मेंटल पाथ की नहीं है। एंड जितना हम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही मेंटली हम स्टेबल रहेंगे और फिजिकली हम हेल्दी रहेंगे। दिस इज़ अ फैक्ट। क्योंकि हमने देखा है कि शिवम जी ढेर सारे सेलिब्रिटी को फिटनेस की टिप्स देते हैं। आप बताइए आप कौन कौन सी टिप्स देती हैं किसी अरे को ये तो जिसको पूछिए कि कौन से सेलिब्रिटीज को इन्होंने ट्रेन किया है, ओह वाओ। वो नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू शुभम। सो आई एक्चुअली स्टार्टेड माई करियर इन 1998 एज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल कोचेज, फिटनेस ट्रेनर्स इन द कंट्री। एंड आई वॉज लकी इनफ टू ट्रेन मिस्टर अमिताभ बच्चन फॉर 14 ईयर्स, एंड मिसेज जया बच्चन। आई हैव ट्रेंड अभिषेक, काजोल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, फारा खान, करण जौहर। सो आई हैव ट्रेंड ऑल ऑफ देम, एंड दैट इज़ फ्रॉम लेकिन तब भी कुछ ही साल फिटनेस में, फिजिकल फिटनेस के बारे में ट्रेनिंग करने के बाद आई रियलाइज कि कुछ मिसिंग एलिमेंट है, और वो एलिमेंट था माइंड। कि अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं तो हम फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि माइंड और बॉडी दो अलग चीज़ें हैं ही नहीं, दे आर वन। माइंड सटल है, सूक्ष्म है, और हमारी बॉडी ग्रॉस है, स्थूल है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी वॉज बिकेम माई व्हाट यू से सीकिंग। और थ्रू द माइंड मैंने मेंटल फिटनेस पे बहुत काम किया है, मैं अभी भी मेंटल फिटनेस कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, एंड माई रिसर्च कंटिन्यूज। एंड थ्रू द माइंड यू कैन गेट टू द स्पिरिट। सो ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ बीन माई जर्नी सो फार, वॉकिंग ऑन दैट पाथ। एंड यस, शिवम इज फाइंडिंग हिज पाथ एज वेल, बोथ ऑफ अस आर फाइंडिंग इट टुगेदर। कुछ कहेंगे आप? ये बात तो सेम ही है, उस पर एक साथ ही चल रहे हैं, बट हाँ दिखते हैं। क्योंकि आपने बताया कि मिस्टर अमिताभ बच्चन को 14 ईयर आपने उनको फिटनेस की टिप्स दी है, और जिस हिसाब जिस अंदाज में वो आज भी काम करते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठना एंड काम पे जाना, लाइक 70+ होने के बाद भी। सो कैसे देखते हैं आप, एंड हम ऐसा माने कि वो जो आपने फिटनेस टिप्स दी थी आज भी वो काम आ रही है उनके लाइफ में? मिस्टर बच्चन एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है। तो अमित जी का सबसे फर्स्टली तो इतना मेरे लिए कितना बड़े ऑनर की बात है कि मैं उनको 14 साल के लिए
मैंने उनकी मैं फिटनेस कोच रही हूँ एंड आई वॉज हिज फर्स्ट फिटनेस कोच इनफैक्ट. और जितनी बार भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं एंड बात की है एंड देव आस्क्ड मी कि मिस्टर बच्चन की ऐसी स्पेशल क्वालिटी क्या है एंड आई ऑलवेज कम टू वन थिंग, इट इज़ हिज माइंड. उनका माइंड इतना स्ट्रांग है कि बॉडी उनके माइंड को फॉलो करती है. उनका एक रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है एंड पूरी इंडस्ट्री उसकी उनके माइंड के बारे में ही बात करती है. उनकी विल पावर, उनकी पंक्चुअलिटी, उनका डिसिप्लिन. लेकिन 14 साल जो मैंने उनको ट्रेन किया है, मेरे को आज तक नहीं याद कि कभी अमित जी लेट हुए हों ट्रेनिंग के लिए. सुबह 6 बजे की ट्रेनिंग के लिए वो कभी लेट नहीं हुए हैं. ये भी इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर फैक्ट है मिस्टर बच्चन की पंक्चुअलिटी. तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है एज फार एज द डिसिप्लिन ऑफ द माइंड गोज. सो दैट इज फॉर मी दैट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस. इट इज हिज माइंड, इट इज हिज पावर ऑफ हिज माइंड. एंड शिव ओम जी, इन दिनों ढेरों सारी पर्सनालिटी को आप जो है फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड रणबीर कपूर, कहना चाहेंगे आप जो लेटेस्ट? रणबीर कपूर, आई मीन आई थिंक जो इन्होंने मिस्टर बच्चन के लिए क्या कहा है उसका जूनियर वर्जन रणबीर है जो मेरे लिए, जो बेसिकली उनका सेम थिंग. उनकी पंक्चुअलिटी मैं लिटरली हाथों पे गिन सकता हूँ, एक या दो बार जब उन्होंने क्लास कैंसिल की होगी कुछ काम के वजह से, बट अदरवाइज़ जो टाइम देते हैं उसी टाइम पे आना. और मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं टाइम को इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, पंक्चुअलिटी को इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, सॉरी आज 7 मिनट लेट आया मैं, फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग टू सी दिस पर्सन हु आई एम ट्रेनिंग ऑल्सो रिस्पेक्ट्स टाइम दैट मच. सो आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग. क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से भी उनकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है. एंड मैडम आपसे भी जानना चाहूँगा, ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए कि जब स्क्रिप्ट के हिसाब से उनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करना? डिफ़िकल्ट, जैसे मैंने बताया डिफ़िकल्ट नहीं होता. कभी कभी एक डायरेक्टर का विजन थोड़ा सा रियलिटी से अलग होता है और हमें कभी कभी बैठ के बात करनी होती है कि या समझाना पड़ता है कि आपको ये चाहिए बट एक्चुअली ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. वो एक बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन अगेन एक्सरसाइज डाइट उनका एक लुक होता है, तो वो कभी कभी बात करना और समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट चैलेंजिंग तो ऐसा कुछ नहीं, आई मीन आई थिंक इट्स ऑल वेरी पॉसिबल. सो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, को जो एस्पेक्ट मैं सिखाती हूँ विच इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन. कि आप माइंड में आप आई मीन आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक एथलीट्स इसको यूज़ करते हैं, बहुत स्टार्स भी इसको यूज़ करते हैं. कि माइंड में आप उसको इमेजिन करते हैं कि मेरा गोल अचीव हो गया. सो दिस इज़ नोन एज अ साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन. कोई भी गोल हो उसके लिए आप काम तो करेंगे, दिल जान लगा के आप मेहनत करेंगे, लेकिन माइंड में उसका एंड रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि उससे जिससे आपको वो बिलीफ आता है कि यस आई हैव डन इट, आई विल डू इट, नहीं आई हैव डन इट. तो जो एंड रिजल्ट माइंड में रख के जब वर्क करते हैं ना आप, तो उसका मज़ा कुछ और होता है एंड देन 110% यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशन. ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे भी सीखने को मिली एंड उसके बारे में डेफिनेटली हम बाद में बात करेंगे. एंड लेटेस्ट का जो टॉपिक चल रहा है वो जी रणबीर, आलिया, शाहरुख एंड आप तो उनको ट्रेन भी कर रहे हैं. सो कुछ विश करना चाहेंगे एंड मैडम आप भी कुछ विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में? आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्यूटिफुल जर्नी अहेड. इट्स गोना बी अमेजिंग. फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी विश यू अ लाइफ फिल्ड विद लव, जॉय एंड हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस फॉरएवर. एंड लास्टली चीट एंड ट्रीट इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सो चीट और ट्रीट मील की जब हम बात करते हैं, जब लोग चीट मील की बात करते हैं तो हम उसको कैन आई कंटिन्यू? हाँ, चीट मील और ट्रीट मील की पूछ रहे हैं. सो चीट मील और ट्रीट मील की जो हम बात करते हैं तो वी प्रिफर टू कॉल इट अ ट्रीट मील, क्योंकि हमारे लिए जो खाना होता है दैट इज़ एक्चुअली सेक्रेट. वो एक भगवान का रूप है क्योंकि वो आपके अंदर जाता है तो आपके बॉडी का हर एक सेल बनता है वो खाना. तो हमारे स्क्रिप्चर्स में एक लाइन दी हुई है,
अन्न है पूर्ण ब्रह्म, तो आप जो भी खाएं उसको बहुत खुशी से खाएं, तो वो अंदर जाके आपको वो डैमेज नहीं करेगा। तो चाहे आप गोलगप्पे खा रहे हैं, लेकिन एक दो प्लेटें नहीं, तो अति में ना करें, एक्सेस में ना करें, मॉडरेशन में आप कुछ भी खाएंगे तो उसको बहुत ही अच्छी भावना के साथ खाइए। तो आप फर्स्ट थिंग तो आप बहुत जल्दी तृप्त हो जाएंगे, यू विल गेट सेटिस्फाइड विद जस्ट वन और टू पीसेस, और वो अंदर जाके आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। सो मॉडरेशन इज़ द की। और आपको कभी थोड़ा सा एक्सेस में जाना है तो उसको ट्रीट मील बोलिए, गिल्टी इतना फील मत करिए कि आपका वो खाना अंदर जाके पॉइजन ही बन जाए। और अगर गिल्ट ठीक करने ही वाले तो खाओ मत। है, अगर इतना ही गिल्ट होना तो फिर खाइए मत। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू थैंक यू सो मच।